हेलो दोस्तों, आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग का ये नया साल बहुत अच्छा बीते और साथ ही साथ नई वैकेंसी भी आ गई यूपीपीएससी का, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसलिए मैं सोच रही हूँ टेस्ट जो भी मुझे मिलेगा मैं करवाऊंगी टेस्ट, और RO ARO का भी टेस्ट, सब सार जो भी टेस्ट मुझे मिलेगा मैं टेस्ट करवाती रहूंगी। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दिखाइए। साथ ही साथ आज हम फर्स्ट टेस्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में जो है 150 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप टेस्ट के तरीके से करिए। एक 4 साइज पेपर लीजिए, 1 से लेकर 150 तक आप नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन सही हो रहा है उसको सही टिक करिए, जो गलत हो रहा है गलत टिक करिए। उसके बाद जो भी स्कोर हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आप अपने अपने टेस्ट को इवेलुएट कर सकें। तो मैं टेस्ट करवा के आंसर बताऊंगी, तो आंसर के पहले ही आप अपना स्क्रीन पॉज करके आंसर देखिएगा और देखिएगा कितना सही होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, उस हिसाब से आप अपना स्कोर लिखिएगा, नहीं तो आप पूरा स्कोर लिखिएगा। तो चलिए, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ पहला टेस्ट हाजिर है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि GS वर्ड का टेस्ट है। तो जनरल स्टडीज टेस्ट, एंशियंट टेस्ट, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है टेस्ट, बायलैंग्वल है, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र सबके पता होगा किसने लिखा था, विष्णुगुप्त, मतलब कौटिल्य, अर्थ कौटिल्य ने, जिसे चंद्र क्या बोलते हैं, चाणक्य के बोलते हैं। और चचनामा, चचनामा लिखा था अली अहमद ने, अली अहमद ने। और अष्टाध्यायी पाणिनि ने, वेद, वेद व्यास ने। तो सभी मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दूसरा, प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन ये है कि हेरोडोटस यूनानी यात्री था, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। सही बात है। हेनसांग चीनी यात्री था, इसने इसी यू की नामक ग्रंथ लिखा था। अलबरूनी अरबी इतिहासकार था, इसने तहकीक ए हिंद नामक विवरण दिया था। तो सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित में से मक्का तथा तंबाकू की फसलों को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? अमेरिका को, इंडोनेशिया को, पुर्तगाल को, फ्रांस को? तो अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, पुर्तगाल, पुर्तगाल प्रिंटिंग प्रेस मशीन के अलावा मक्का, तंबाकू, आलू, आलू, अनानास, मिर्च, मूंगफली, ये सब आए थे। अगला है चौथा क्वेश्चन, अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दशराग युद्ध के विजेता कौन थे? तो दशराग युद्ध के विजेता कौन थे, वो वशिष्ठ, सूरदास, भरत या अत्रि? तो वो थे सूरदास। तो दशराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था, जो परशुरी नदी के, मतलब वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं को एक साथ हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, सूची को सूची दो से मिलान करना है। कलिंग राजा खारवेल, इसने क्या किया था? तो इन्होंने जो हाथी गुम्बा अभिलेख या गौतमी बलश्री, समुद्र गौतमी बलश्री, इन्होंने क्या किया था? तो नासिक अभिलेख से संबंधित है, और पुलकेशिन सेकंड ऐहोल अभिलेख, और बंगाल शासक विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख। तो सभी के सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्घृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तीसरा है, आदिऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के साथ उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही, केवल एक दो, केवल दो तीन, या उपर्युक्त सभी, या कोई नहीं? तो ये जो आंसर होगा इसका हो जाएगा आपका सभी के सभी। ठीक है, नहीं, हाँ, सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सातवां, प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, और मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक, या सभी के सभी? तो इसका भी आंसर होगा सभी के सभी सही है। आठवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, निम्नलिखित में से किसी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मृतकों का टीला होता है हिंदी, सिंधी, अरबी, अवधी। तो कौन सी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ये? तो हो गया आपका सिंधी। अगला है नौवां, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला सिंधु घाटी की लिपि लघु चित्रात्मक अभिलेख के रूप में थी, दूसरा सिंधु घाटी की लिपि बाई से दाई ओर की ओर लिखी जाती थी, तीसरा है अभी तक सिंधु घाटी की लिपि की व्याख्या नहीं की गई और ना ही ये लिपि आज तक पढ़ी जा सकी है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, परि सभी, या ना तो एक ना तो ये दोनों में तो कोई भी सही नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ये भी सभी के सभी ऑप्शन सही है। अगला है मिलान करना है। पूर्व को क्या बोलते हैं उत्तर वैदिक काल में, वैदिक शब्द में? तो पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? पूर्व को बोलते हैं प्राची, पश्चिम को बोलते हैं प्रतीचि, उत्तर को बोलते हैं उदीची और दक्षिण बोलते हैं अवाची। तो सभी सभी ऑप्शन मिले हुए, ऑप्शन हो गया सी। निम्नलिखित में से किसी पुरुषार्थ को भारत में परम धर्म कहा जाता है? धर्म को, काम को, अर्थ को, मोक्ष को। तो ये बात की गई किस पुरुषार्थ को भारत महाभारत में परम धर्म कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अर्थ को। पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य है। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष और अर्थ, जहाँ पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य है और अर्थ का तात्पर्य लक्ष्य अर्थात विवेकशील मनुष्य द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की ही पुरुषार्थ है, इसका मतलब है। बराबर है। वैदिक काल में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई थी। अवेस्ता ग्रंथ में उल्लेखित अहुर मज़दा के समान ऋग्वैदिक देवता वरुण थे था और यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया था। कौन सा कोट सही है? एक, दो, दो, तीन, एक या ऊपर सभी के सभी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी के सभी, सभी सही है। अगर आपको नए पॉइंट्स मिल रहे हैं प्लीज उसको नोट्स बना लीजिए। तीसरा है आर्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सार्वजनिक प्रिय देवता इंद्र थे। दूसरा है लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंकनोट व सूदखोर कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा थी जिसे श्याम आयस कहा जाता था। इसमें से कौन सही है? एक, दो, दो, तीन, एक या सभी के सभी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी के सभी, ऑप्शन सही है। अगला है 14वां। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। दूसरा ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। तीसरा उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, परि सभी, या ना तो एक ना तो दो ना कुंदा, कोई भी नहीं? तो उसका जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा सभी के सभी, ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। देव देव का संबंध किससे है? तो देव जो देवता है उनका संबंध किससे है? तो देव जो है आकाश के देवता है, सही है। सोम वनस्पति के देवता है, ये भी सही है। और अश्विनी वनस्पतियों को हरने का देवता है और पूषण पशुओं का देवता है। तो सभी से सभी मिले हुए हैं, ऑप्शन हो गया सी। अब उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। दूसरा उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा था। तीसरा है उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। चौथा उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या ऊपर चारों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सभी के सभी, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लोकायत, लोकायत दर्शन जो है किस प्रवर्तक से है? तो चार्वाक से है, सांख्य कपिल से है, उत्तर मीमांसा बद्रायण और वैसे ऐसे कड़ाद या उलूक से है। तो ये जो आंसर है आपका ये भी सांख्य से सामने के सामने मिले हुए हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु घाटी के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें जो उत्तर सही होगा ये सभी के सभी सही होंगे। पर्दा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, सब कुछ सही है। अगला है 1900। प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल तीन आश्रमों का विधान मिलता है जिनमें ब्रह्मचर्य गृहस्थ एवं वानप्रस्थ है, परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया है। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है सभी मतलब दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से या किसी से नहीं? तो मथुरा का संबंध जो है
वो जैन धर्म से है। नेक्स्ट है मिलान करना है वितस्ता। वितस्ता को क्या बोलते थे? वितस्ता झेलम थी, आस्किनी चिनार थी, परुसडी रावी थी, और कुरुम जो कुरम थी। तो कौन सा सही है? तो सभी के सभी सही है, मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हो गया आपका सी। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकवांत हैं, अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सभी के सभी। सभी के सभी इसलिए दिया गया ताकि आप अच्छे पॉइंट्स को रिमेम्बर कर सके। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थकारों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थकारों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या ऊपरी सभी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी के सभी। तो जो जितने भी नए पॉइंट मिल रहे हैं उसको नोट आप करते जाइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगला है, गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न चार दृश्य को देखा था। एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, लाश तथा दाह संस्कार है, तो एक भिक्षु पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में। तो कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है सभी के सभी मिले हुए हैं, मतलब क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं। तो ऑप्शन हो गया सी। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो जन्म जन्म को ये घटना है, बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह है। तो ठीक है, तो जन्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कमल एवं सांड से, गृहत्याग को घोड़ा से, पीपल को ज्ञान से, निर्वाण को पद चिन्ह से। तो ऑप्शन जो हो गया वो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी है। अगला 26वां, बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख प्रतिछाया है। तो इसका जो आंसर होगा वो दुख प्रतिछाया नहीं है, बाकी ये तीनों है। सर्वधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसके अनुयायी शिव लिंग की उपासना करते थे। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, या सुपरि सभी, या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सभी के सभी सही है। मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दूसरा, चोल शासक राज राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा, राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या उपरोक्त सभी? तो सभी के सभी सही है। नेक्स्ट है अगला 29वां, वैष्णव संप्रदाय के मतलब आचार्य कौन थे? तो रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय के आनंद तीर्थ थे, और रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य थे, और जो सनक संप्रदाय के जो निम्बार्क थे। तो ये जो है सभी के सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन हो गया सी। महाकाव्य काल के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। इन पांचों का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गढ़ को स्वायत्त शासन प्राप्त था। कौन सा सही है? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, या पर सभी? तो सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, अंगुत्तर निकाय की सूची में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इनमें दो प्रकार के राज्य थे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा ना होकर गढ़ अथवा संघ द्वारा होता था। तो दोनों के दोनों ऑप्शन भाई सही है, आज से रिलेटेड। उदयन के उत्तराधिकारियों द्वारा हर्यक वंश के अंत के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन सा है? तो अगला है, तो बौद्ध धर्म में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है। इन तीनों का पितृहंता कहा गया। अंतिम राजा नाग दशक कुछ प्रसिद्ध था। पुराण में उसे दर्शक कहा गया, और ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे। जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया, और मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उसमें से कौन सही? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल तीन, एक, और केवल सभी के सभी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही है। नेक्स्ट है 33, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक तीर्थांकर कौन थे, मतलब प्रथम तीर्थांकर? तो वो थे ऋषभ देव। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। व्याकरणाचार्य प्राणिनी महापद्मनंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा, दक्षिण से विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सभी के सभी ऑप्शन इसमें भी सही है। ठीक है, तो सही है तो आप इसको रट डालिए भाई, जो नहीं याद है जो याद है तो माशाल्लाह क्या बात है। अगला है 35वां, सिकंदर के प्रशासक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिम उत्तर भारत में अनेक छोटी छोटी राज्यों में विभक्त थे, मतलब राज्यों में विभक्त थे। सिकंदर ने उन्हें विजित कर इन भागों को राजनीतिक एकता की स्थापना की। उन्होंने इस संपूर्ण प्रदेश को चार प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया। उसने सिंधु नदी के जिले भाग में जो राज स्थापित किया उसका क्षत्र पिथोन को बनाया गया। अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन किया था। इसमें से कौन से कथन सही है? केवल एक, दो, दो, तीन या एक या सभी के सभी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो किस पे बनी थी? सिकंदर के। तो सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिम उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। एक मिनट, सिकंदर पे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ही मैं कह रही हूँ। तो ये बनी थी मोहम्मद गौरी सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी। 1192 तराई के युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर पश्चात पूर्व चली आ रही मुद्रा की इस व्यवस्था को यथावत बनाए रखा। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा या वल्लभी? तो इसमें शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट है 38वां, लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पाकिस्तान में, हरियाणा में या राजस्थान में? तो भाई लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट है, कथन कारण है, विश्व के सभी भाग में ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी के एक महान धार्मिक उथल बुथल का काल था। इस दौरान वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो कौन सा क्या ए और बी गलत है, ए और बी सही है। ए सही है जबकि बी गलत है, ए गलत है जबकि बी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ए बी दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही, मतलब निम्नलिखित स्थानों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मदुरै में, ममल्लापुरम, ऐहोल में, कांचीपुरम में? तो ये जो जो है ये है मामल्लपुरम में। निम्नलिखित में से द्वितीय राज तरंगिणी के रचनाकार कौन थे? जोन राज, पतंजलि, कल्हट या जयदेव? तो कौन थे? वो थे जोन राज। सूची एक को सूची दो से मिलार कर रहे हैं। तो गिरनार का शिला लेख कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। धौली शिला लेख कहाँ है? पूरी उड़ीसा में है। इरिंगुड़ी शिला लेख कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कालसी शिला लेख कहाँ है? उत्तराखंड में। तो सभी सभी मिलान सही है, तो ऑप्शन हो जाए आपका ऑप्शन डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है कि किस ग्रंथ में उल्लिखित है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, मुंडक उपनिषद में? तो ये जो है ये है अथर्ववेद में वर्णित। अगला है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? डायनोसिकस, यसियस या डाइमेकस या फिलाडेल्फस या मेगस्थनीस? तो वो थे डायोनेसियस। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 45 है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो राजुक, प्रादेशिक, युक्त, युक्त राजुक, प्रादेशिक, प्रादेशिक युक्त राजुक या प्रादेशिक राजुक युक्त? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रादेशिक राजुक और युक्त। कालीबंगा नामक प्राचीन भारतीय स्थान के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान के गंगा नगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ था। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या पूरे सभी? तो सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट है 47 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान करना है, सभा समिति क्या थी? तो एक राजनीतिक संस्था थी। नीवी क्या थी? आर्यों का एक वस्त्र था। निस्क क्या था? एक आभूषण था। करकरी क्या था? एक वाद्य यंत्र था। सभी मिलान सही है, तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन जनपदों में से संबंधित तथ्यों में से कौन सा असत्य है? तो अवंती पश्चिम में भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश के भागों में मिलकर यह जनपद बना था। तो अगला नेक्स्ट है, वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। तो क्या वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी? राजधानी वैशाली थी, जबकि पहचान राजधानी थी इस समय वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है।
तो वैशाली लक्ष्मी की राजधानी वैशाली थी। इसकी पहचान आधुनिक बसाड़ नामक स्थान से की जाती। इस समय उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। तो ये दूसरा आपका गलत है। ठीक है, सुरसेन आधुनिक ब्रज मंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी, ये सही है। गंधार एक आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगला है, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल को साहित्य विज्ञान तथा कला की प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट तथा वराह मिहिर जैसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य हुए। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये जो ऑप्शन है दोनों के दोनों सही हैं, उपरी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 50वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? शक्तिशाली मंत्री पर से शक्तिशाली राजा, वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, या स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन। नेक्स्ट है, मौर्य शासन है और अधिकारी है। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता जो था आय का संग्रह करता था, मतलब संग्रह करता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष था। पौर जो था नगर का कोतवाल था। तो सभी के सभी मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ABCD सभी मिले हैं। मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए। तो इसमें से कौन सा सही? केवल एक, दो, कुल दो, तीन, केवल एक, या सभी के सभी? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ये लोथल। जिसमें से सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसकी जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी मोहनजोदड़ो का अन्नागार। नेक्स्ट है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र में, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैतरेय ब्राह्मण में? तो ये जो मिलता है कौटिल्य अर्थशास्त्र की, ये मिलती है ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है 55, छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, या अथर्ववेद? तो इसका संबंध जो है वो है शाम से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्नलिखित कथन निम्नलिखित कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? अजित केशक बनी, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट होना, पूरन कश्यप अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं, या मकुधक कच्चायन तथा तत्वों से नित्यवादी, या मखली पुत्र गौसाल पति का आधार नियति? इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, अजीत कौशाम्बिनी, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाना, ये है नितांत भौतिकवादी। अगला, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमो सेपियंस से प्रजातियों के रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? होमो इरेक्टस, पिथेकैंथ्रोपस, या सिनेंथ्रोपस, या ए और बी दोनों से? तो उसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है ए और बी दोनों, मतलब होमो इरेक्टस और पिथेकैंथ्रोपस के नाम से। अगला मिलान करना है कपिलवस्तु, कपिलवस्तु जो है और गंगा घाटी स्थल है गणराज्य। तो कपिलवस्तु जो है शाक की गणराज्य है, वैशाली लिच्छवी, कुशीनारा मल, और मिथिला विदेह। तो ऑप्शन हो गया सी, सभी सभी मिलान सही है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, कुल दो, तीन, या सभी के सभी, या कोई नहीं? तो सभी सभी कथन सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम सर विलियम जॉन्स ने चंद्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया। इसमें से कौन सा सही? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, या सभी के सभी? तो सभी के सभी सुमेलित हैं। प्राचीन भारतीय करों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से था। कौन सा कथन सही? केवल एक, दो, कुल दो, तीन, केवल एक, या ऊपरी सभी? तो सभी के सभी कथन सही थे। अशोक के राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपनी डुमरी यात्रा में 1/6 से घटा कर 1/8 राजस्व की राशि कर दी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था।
कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, केवल एक, न तो एक न तो दो, या सभी के सभी? तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ के संबंध में लिखे कथन पर विचार कीजिए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इसका भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था है। और मौर्य के युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इसमें से कौन सा कथन सही? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, या सभी के सभी, या कोई नहीं? तो सभी के सभी सही है। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन शतरंज के समय में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ था। दूसरा है, यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का सांस्कृतिक नाम है। गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, कल दो, तीन, या ऊपर सभी, या कोई नहीं? तो ऑप्शन सी, तीन, सभी के सभी क्वेश्चन। 65वां क्वेश्चन है, पाणिनी अष्टाध्यायी, भिक्षाक दत्त, मुद्रा राक्षस, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतल, बाणभट्ट, कादंबरी। तो सभी के सभी सामने सामने मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, कालिदास के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा असत्य पहचानिए। वह संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार थे और वह चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से एक थे। तो पहला यही तो गलत है, कालिदास जो थे चंद्रगुप्त के दरबार के नहीं थे, बल्कि वह जो थे चंद्रगुप्त कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, तो ये गलत है, तो ऑप्शन हो गया बी। मीमांसा दर्शन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पथ पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। कुमार मिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था की वर्णन किया था। कौन सा कथन सही? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, या सभी के सभी? तो सभी के सभी इस ये भी सही है। ठीक है, 68वां क्वेश्चन है, प्राचीन संगम काल के संबंध में लिखे कथन पर विचार कीजिए। प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचनाएं की गई उनकी संगम साहित्य कहा गया। इनमें चोल, चेर तथा पांडे और कदंब राजवंश का उल्लेख है। इनमें मुख्य रूप से राजाओं की प्रशंसा संबंधित रचना को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पूरम कहा जाता था। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, तीन, केवल दो, तीन, के सभी के सभी, कोई नहीं? तो सभी के सभी सही है। चोल वंश के संबंध में असत्य कथन को पहचानी। चोल राज्य मध्य काल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था। यह पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित था। कारिकल में उरैयर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उरैयूर सूत जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ओ सॉरी, तो इसका भी आंसर देना, चोल के संबंध में असत्य कथन कौन सा था? तो इसमें जो असत्य कथन है वो है आपका, ये हो जाएगा, यह पांड्य नहीं, पांड्य ये पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित था, ये गलत है। ये पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित था, तो ये गलत है, बाकी सब सही है, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना जो की थी राजेंद्र पाल ने प्रथम ने, या राजेंद्र सेकेंड ने, या विजयालय ने, या राजराज ने? तो उसकी स्थापना की थी विजयालय ने। 71 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 1960 में पुरातत्व विभाग द्वारा आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 79 ईस्वी के शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, केवल एक, तीन, या केवल एक, या सभी के सभी? तो सभी के सभी सही है। नेक्स्ट है, 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। मेघवर्मन समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत भेजा था। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार का निर्माण की अनुमति दी जाए। समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन को बौद्ध विहार के निर्माण संबंधी अनुरोध का स्वीकार कर दिया था। तो इसमें जो सही है, मतलब इसमें गलत पूछा, गलत कौन सा है? तो ये पहला जो है गलत है, क्योंकि प्लिनी ने पहली शताब्दी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। टालेमी की पुस्तक लंका मेघवर्मन समुद्रगुप्त के समकालीन था। तो ये सॉरी, ये जो था एक मिनट, लंका जो था, ये जो था, इसका जो है सही है, ये सही सही है, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ने ये जो अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि इसको स्वीकार कर लिया था। अनुमति मिलने के पश्चात बोध ब्रिज निकट जो है अनुरोध को स्वीकार करने के बाद यहाँ पर एक निकट लंका में बौद्ध भिक्षुओं के लिए भव्य विहार का निर्माण करवाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कनिष्क के संबंध में लिखे कथनों में कौन सा असत्य है? कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था नेतृत्व के कारण द्वितीय अशोक कहते हैं। कनिष्क के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। कनिष्क ने राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की। कनिष्क के राजवैद्य अश्वघोष ने चरक संहिता की रचना की। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन इसमें हो जाएगा डी। कनिष्क
ये तो अश्वघोष राज राजवैद्य अश्वगणिक चरक संहिता की रचना नहीं की थी। तो अश्वघोष एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित की रचना की थी। कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये जो है चरक संहिता की रचना चरक ने की थी, तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो गया डी। मिलान करना है, गढ़वाल जो संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे, जेजाग मुक्ति के नन्नुक थे, और द्वार समुद्र के विष्णु वर्मन थे, और वारंगल के वेद प्रथम थे। तो कौन सा कथन इसमें जो सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सभी आमने के सामने मिले हुए हैं। नेक्स्ट है 75। भीमबेटका सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्र भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा सही है? ए केवल एक, केवल दो, तीन, केवल सभी के सभी, ये कोई नहीं। इसका जो सभी अंतर हो जाएगा सभी के सभी सही है। अगला है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। निम्नलिखित में इसमें शामिल नहीं है शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योति जो भाग्य फल, कल्प जो कर्मकांड, दर्शन मौलिक सत्य, निरुक्त जो भाषा विज्ञान, छंद जो चतुष्पद, ये श्लोक है। इनमें सही उत्तर का चुनाव करिए, कौन सा इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो मतलब वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना, कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा केवल चौथा, मतलब दर्शन मौलिक सत्य, ये जो शामिल नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक बार विचार कीजिए। प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। टालेमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना हेरोडोटस ने की थी। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत, तीसरा जो है गलत होगा, क्योंकि हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। पेरिप्लस की रचना हेरोडोटस ने की थी। तो पेरिप्लस की रचना इन्होंने की, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये जो है इसके लेखक अज्ञात हैं। अगला है नया कुठार, ये स्थान है मध्य प्रदेश में, देवघर जो झांसी उत्तर प्रदेश में, भी उत्तर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो ये जो सभी के सभी हैं मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, 1 2 3 4 बी। बाण भट्ट के हरिश्चंद के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद काफी व्यवस्थित थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? अवंती युद्ध और शांति का मित्र, सिंहनाद हर्ष की सेना का महा सेनापति, और कुंतल अश्व सेना का मुख्य अधिकारी, स्कंद गुप्त हस्ती सेना का प्रमुख। इसमें से पूछा है कौन सा युग्म असत्य है? तो जो असत्य है वो हड्डी, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रमुख नहीं थे, स्कंदगुप्त जो थे हस्ती सेना के प्रमुख थे, ये तो सही है। तो इसमें से क्या है, कौन सा युग्म असत्य है? तो युग्म स्कंदगुप्त हस्ती सेना के प्रमुख सही है, अश्व सेना का मुख्य अधिकारी, हर्ष की सेना के अधिकारी, युद्ध और शांति का मंत्री, इसमें असत्य कौन सा है? तो सभी सभी सत्य तो लग रहे हैं मुझे। तो अवंती युद्ध, युद्ध और शांति का मंत्री, तो सभी के सभी सुमेलित हैं, इसमें से कोई गलत नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके विषय में एहोल अभिलेख उसके समकालीन कवि राजकीर्ति द्वारा लिखित प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। उसके उत्तराधिकारी के रूप में सत्यास्त्र चालुक्य वंश के शासक बना। नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चुनाव करिए। केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, या परीक्ष सभी। तो इसको जो सही है इसमें से जो आंसर हो जाएगा सभी के सभी, मतलब स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है प्रेम कथा आधारित महाकाव्य शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? इलंगो, आदिगल, कारिकल या करिकाल या फिर कोवलन या उपरी में से कोई नहीं। तो उसके जो राइटर थे वो थे इलंगो आदिगल। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। यह दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इनमें से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, या उपरी तीनों, या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा इस सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। यह पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पगोडा के नाम से भी कहा जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 2020 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही होगा?
तो वो सही हो जाएगा, सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, मतलब तीनों सही हैं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये यूनेस्को द्वारा 2020 में धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो ये गलत है क्योंकि 1984 में घोषित किया गया, ना कि 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार मौर्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। वाय पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। निम्नलिखित कूटों के माध्यम सही उत्तर का चयन कीजिए, एक दो या दो तीन या एक, या सभी के सभी सही है। तो इसका आंसर सभी के सभी होगा, सभी के सभी सही हैं। अगला 85 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। इन दोनों विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? पहले सुसीम को, बाद में अशोक को, पहले अशोक को, बाद में सुसीम को, सुबह स्वयं गया। तो उसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो पहले सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों और निम्न पदाधिकारियों को क्रमशः क्या कहा जाता है? पेरुंदरम या सेरुंदरम, या सेरुंदरम या पेरुंदरम, या केवल सेरुंदरम, या ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पेरुंदरम और सेरुंदरम होगा। पाल वंश के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल ने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और यहाँ तक कि मगध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। इसमें से कौन सा कूट सही है? केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक, फिर सभी। तो इसका जो सही है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी। नीचे दिए गए कूटों का चयन कर सही उत्तर का चुनाव करिए। कथन है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। कारण है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अन्नानूर तथा मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, त्रिपिटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसे मूलतः ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दो तीन या सभी के सभी? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी। मिलान करना है, त्रिपिटक बुद्ध दर्शन से, विनय पिटक संघ संबंधी नियम है, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत है, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। तो कौन सही होगा? सी सही होगा, सभी के सभी मिलान सही है। कुमार गुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया? हरे हुड़ ने, काले हुड़ ने, सफेद हुड़ ने या लाल हुड़ ने? तो कौन से हुड़ ने भाई? लाल, पीले, नीले ने, किसने किया? तो वो किया था, बताइए, सफेद ने, सफेद हुड़ों ने किया था। गुप्तकालीन भारतीय समाज के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। इस काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। गुप्त काल से पहले ब्राह्मणों को केवल 6 कार्य निश्चित किए गए थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, दो तीन या सभी के सभी? तो सभी के सभी सही हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, सोलांकी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला है, सोलांकी वंश का अंतिम शासक भीम सेकंड था। भीम सेकंड एक सामंत लवड़ प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी के सभी? तो सभी के सभी सही है। गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है। गुप्तों के मूल राज्य में प्रयाग सत्ता के केंद्र में और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, तीन या एक या ऊपरी सभी? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी सही है। राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। राजा भोज कविराज की उपाधि में विभूषित शासक था। इसमें से कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो, केवल तीन पर सभी? तो सभी के सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुष्यभूति शासक ने परम भट्टारक महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? तो चलिए देखिए, तो हर्षवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने, भट्टार्क ने या शशांक ने? तो वो किया था प्रभाकर वर्धन ने। तराइन के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ पृथ्वीराज तृतीय की विजय गोरी की हार की हार से। तो इसमें से सही कथन सुनना है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ जिसमें गोरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तराइन की तीसरी युद्ध 1215 में हुआ इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दौज के बीच में लड़ी गई जिसमें इल्तुतमिश ने एल्दौज को पराजित किया था। तो कौन सा कथन इसमें सही है?
इसका जो आंसर होगा सभी के सभी सही होगा। शायद आपको तृतीय युद्ध के बारे में उतना नहीं जानकारी होगी, तो 1215 में हुआ था, तो इसका सही होगा सभी के सभी। राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। ऊपर इनमें से कितने कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ऊपर सभी? तो सभी के सभी सही थे। विग्रहराज फोर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक का रचयिता विग्रहराज फोर्थ था। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। उपरित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपरित सभी? तो इसका जो सही होगा वो सही होगा सभी के सभी। प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की। इसमें से कौन सा कथन सही? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, ऊपर सभी? तो सभी के सभी सही है। शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से इस भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दो, तीन, या एक, या सभी के सभी? तो सभी के सभी सही है। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा 1, बीटा 2, गणपति, रुद्रमा देवी। तो काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो जो थे वो थे बीटा 1। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा 1 था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। अगला है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रांत का विभाजन ब्लॉक, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामीक, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा, प्रांत का विभाजक ब्लॉक नहीं होता था। क्या होता था? तो प्रांत मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयक के अधीन होते थे। तो इसमें विषयक होता था, सबसे छोटी साइज की ग्राम थी। ठीक है, अगला है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में मेगस्थनीज के विभाजन पर विचार कीजिए। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था। संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। ऊपर इनमें से कितने कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, या केवल तीन, या सभी के सभी? तो सभी के सभी सत्य है। दक्षिण भारतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी पर जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्णथर्ड था। कृष्णथर्ड के दरबार में कन्नड़ भाषा कवि पौन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, उपरी सभी? तो सभी के सभी सही है। अगला, मिलान करने विवाह के प्रकार है, आशय प्रकृति है। तो दय विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहितों के साथ विवाह होता है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है। असुर विवाह कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना होता है। प्रजापत्य विवाह बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह होता है। तो इसमें जो सही है वो सही हो जाएगा सभी के सभी। इसका मतलब जो असुर विवाह सभी आजकल करते हैं, जो कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है, नीचे दिए कथनों का कथन कारण देखना है कौन सा सही है। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। कारण है, भारत में गंधार शैली की कला विकास, जिसका विकास ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुआ, यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। इनमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। आर ए दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए आर सही है, और आर ए गलत है, आर सही है। तो इसमें जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, मतलब ए आर सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला, राजेंद्र प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोट की उपाधि धारण की थी। उसने नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया। नवीन राजधानी के निकट गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। तो ऊपर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दो, तीन, या सभी के सभी? तो सभी के सभी सत्य है।
अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था का पर आधारित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालय के वर्णन है, धर्मास्थायी और कंटक शोधन। धर्मास्थायी व्यक्तिगत विवादों से निपटान हेतु और कंटक शोधन व्यक्तिगत परंतु उन मामलों से निपटान हेतु था जो फौजदारी हत्या या अन्य अपराधों से संबंधित होते थे। कौन सा कथन सत्य है, केवल एक दो, वो एक दो दोनों, या एक केवल एक केवल दो, या न तो एक न तो दो? तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए कथन कारण देखना है। तो कथन है, पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए हैं। अनेक पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल ए आर दोनों सही है, और आर एक की व्याख्या करते हैं। तो मैं बता, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी माता यशोमति सती हो गई थी, अतः इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत के सामंत युग के आगमन का सूचक था। तो कौन सा सही है, केवल एक दो, केवल एक, केवल दो, दो या दो दोनों, ना तो एक ना तो दो? तो ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। निष्क्रमण संस्कार ये होता है जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच किसी दिन बच्चे के घर से बाहर निकलने के अवसर पर किया जाता है। अन्न प्राशन संस्कार, इसमें शिशु को 6ठे माह में अन्न खिलाया जाता है। और चूड़ा कर्म संस्कार, शिशु के 3रे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन करवाया जाता था। उपनयन संस्कार, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो कौन सा कथन सही? तो सभी के सभी मिलान सही है। अगला मिलान है, वेच्छी पशु चोरी करना, पुलायन रस्सी बांटने वाला, कुर्डेसियर कृषक मजदूर, और पदमार उत्तर से दक्षिण जाकर विश्वसे ब्राह्मण। तो कौन सा सही है? तो सभी के सभी सुमेलित हैं। अगला है, ये मिलान देखना है, उत्तर प्रदेश मोरहाना स्थल है, मोरहाना पठार, और फिर है मध्य प्रदेश लाखा जुहार, ये भी सही है, और राजस्थान बागौर, और बिहार चिरान। तो ये स्थल है और मिलान है, तो ऑप्शन सभी के सभी सही है। यहाँ पर ऐसी। अगला है, ये अष्टांग संग्रह नाट्य कला है, 10 रूपक व्याकरण है, लीलावती गणित है, और महाभाष्य आयुर्विज्ञान है। तो महाभाष्य क्या है? महाभाष्य जो है वो व्याकरण है, और अष्टांग संग्रह क्या है? अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान है, और 10 रूपक क्या है? 10 रूपक जो है नाट्य कला है, और लीलावती जो है वो क्या है? लीलावती गणित है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला कथन कारण, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्रकृति व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर होगा, कथन कारण सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट 17, ये कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? तो वो धारण किया था बिसार, कट या सिंध या मस्सक। तो जो शस्त्र धारण किया था वो कहाँ के थे? वो थे मस्सक के। ठीक है, अगला है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वर में स्थित है। गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में है। अब शारदा मठ, द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो, केवल तीन है? सभी के सभी। तो सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में तक्षशिला, मौर्य काल में तक्षशिला से प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? केवल ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों वैश्यों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रियों वैश्यों के लिए? तो ये जो खुले थे सभी के लिए खुले थे। कन्नौज पर आधिपत्य के संबंध में मुख्य कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। कन्नौज इत्र निर्माण हेतु आज भी प्रसिद्ध है। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, या सभी, या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा आपका सी, मतलब प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्रसिद्ध पाषाण सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे? भीमबेटका से, मथुरा से, अवध से, बेलन घाटी से? तो जो प्राप्त हुए थे वो किससे प्राप्त हुए थे? वो हुए थे बेलन घाटी से। नेक्स्ट है,
सोलहवा, महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, छेदी, वत्स और मल्ल 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। ऊपरी में से कौन सा कथन सत्य? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, ऊपरी सभी है कोई नहीं। तो सभी के सभी सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई? हूड नेता तोर माड़ ने, या हूड नेता मिहिर कुल ने, या सख्त नेता तोर माड़ ने, या सख्त नेता मिहिर कुल ने? तो हूड नेता तोर माड़ ने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई। निम्नलिखित में से अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या था, अयज्या था, या अवध था? उपर्युक्त सभी था। तो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वह था अयाज्या था। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया था? कन्नौज में प्रयाग, वाराणसी में कुशीनगर, अयोध्या में मथुरा। परिधि में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज प्रयाग। तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक महान राजा था जिसने भारत में 606 से 647 तक राज किया था। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है, बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। कौन सा कथन सत्य है? ए और बी दोनों सत्य है क्या? तो कौन सा सही है इसमें से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, मतलब बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है, बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया। भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, केवल एक, केवल दो, या एक, दो, दोनों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। जनवरी 2023 को घोष को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। केरल के कोल्लम को, उत्तर प्रदेश के लखनऊ को, उत्तराखंड के देहरादून के, मध्य प्रदेश के इंदौर को। किसको घोषित किया गया? वो किया गया केरल के कोल्लम को। निम्नलिखित में से स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है? आयुर्वेद से है, राजनीति से है, कंप्यूटर से है, सुंदरता से? तो स्मार्ट का जो है वो है आयुर्वेद से। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, या इंग्लैंड? तो 23वां अंतरराष्ट्रीय खेल मंडल खेल जो है वो आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएगी? कुशीनगर रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन, सफरदंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से? तो कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? वो हरी झंडी दिखाई गई सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। हाल ही में किस देश की सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के पास क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी? नेपाल, यूक्रेन, इटली, फ्रांस से? तो किसने घोषित की? वो की इटली ने। हाल ही में इटली की सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास 5 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन में 5-स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, चारबाग कैंट रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, या ऊपर में से कोई नहीं? तो किसको प्रदान किया गया? वह किया गया वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। अगला है, दिन है और विषय है। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 31 मई तविश तंबाकू दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस। सभी सभी मिलान मिले हुए हैं। नए संसद भवन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2020 में रखी गई थी। इसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत परियोजना के तहत किया गया। इस नए संसद भवन में निर्माण का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, सूची को मिलान करना है 2022 और 31। स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक, 21-30 संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिक बहाली दिवस, 1928 शांति का दशक, नेल्सन मंडेला दशक, 18-27 गरीबी उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दशक। तो कौन सा सही है इसमें से? मिलान करना है। तो ये जो मिलान है सभी मिले हुए हैं, तो सभी के सभी सही है। नवपाषाण काल में धान की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कोल, डिहवा से, मथुरा से, बागपते, सराय, नाहर से? तो जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए कोल, डिहवा, उत्तर प्रदेश से। अगला, 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा?
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो रखा था ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाभारत के कुरु वंश की राजधानी कहाँ है? हस्तिनापुर, अवंती, श्रावस्ती, उपरित में से कोई नहीं। तो वो जो है वो है हस्तिनापुर। अगला, सिकंदर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। इसका सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। तो कौन सा सही है? तो एक, दो, दो, तीन या एक, ये सभी के सभी, तो सभी के सभी सही है। राष्ट्रकूट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट का वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पोन्नर रहते थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्य का मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। कौन सा कथन सही है? एक, दो, एक या एक दो या फिर ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक जूनोटिक रोग है। मंकी पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक वायरल जूनोटिक रोग है। मंकी पॉक्स वायरल को पहली बार कोपेनहेगन, डेनमार्क के एक लैब में बंदरों में खोजा गया है। कौन सा सभी? तो इसमें जो सही है उसके बारे में वो हो जाएगा आपका पहला, मंकी पॉक्स वायरस के होने के कारण एक जूनोटिक वायरस है, होने वाला मतलब एक जूनोटिक वायरस है। इस्लाम धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा के इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, सिया एवं सुन्नी। सिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं और सुन्नी जो है मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तो इसका ऊपर सभी सभी सही है। हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो शराब पर जो है वो प्रतिबंध देश चेतावनी लगाने वाला वो बन गया है आयरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो किसने जीता? वो जीता उत्तर प्रदेश ने। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती। अगला, हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, सुबन बैरी या कोबरी में से कोई नहीं। तो उसके जो राइटर हैं वो हैं अमिताभ कांत। हाल ही में भारत के अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो वो जो किया गया वो किया गया उड़ीसा। नेक्स्ट है, हाल ही में बांद्रा स्वरसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? अटल बिहारी, अरुण जेटली या वी डी सावरकर या अब्दुल कलाम? तो वो रखने की बात की गई वी डी सावरकर के नाम पर, बांद्रा स्वरसोवा समुद्री पुल का नाम। हाल ही में किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या खेल मंत्री अनुराग ठाकुर? तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में सेंगोल राजदंड चर्चा में रहा, इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को तमिलनाडु में अधीनतम मठ से प्राप्त संगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया। संगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है। संगोल तमिल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। रामायण महाभारत के दौर में भी राजदंड संगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपे जाने का जिक्र मिलता है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो सभी के सभी सही हैं। इसी के साथ आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपका मार्क्स कितना आया, अरे सॉरी, आपका मार्क्स कितना आया ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर टेस्ट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के टेस्ट हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत।